Very good morning, dear modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies. Students, take out your science books. It's time to read something in science. So, we were already reading chapter 4, insects. Common insects. जिसमें हमने पढ़ लिया था कि common insects होते क्या हैं. Next, हमने बात की थी parts of bodies insect की, body parts की. और फिर life cycle of a butterfly. हमने इतना पढ़ लिया था. साथ ही ये बुक वर्क भी हमने किया हुआ था अपने बुक में. जिन बच्चों ने ना किया हो वो इसको कर लें. नेक्स्ट हमने बात की थी सोशल इंसेक्ट्स की. तो सोशल इंसेक्ट्स मतलब एंट और बीज के बारे में जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं. नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं सम हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में. उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर आपसे इतना टॉपिक छूट गया है तो इससे पहले वाले वीडियो में अपने ही चैनल एमपीएस सुल्तानपुर चैनल पे जा कर के इससे पहले के वीडियो अपनी क्लास की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और अपने चैप्टर के बारे में रीड आउट कर सकते हैं. आइए बात करते हैं आगे की. सम हार्मफुल इंसेक्ट्स. एंट्स, फ्लाइज एंड कॉकरोच कैन स्पॉयल योर फूड. Flies and cockroach spread diseases as they feed freely in on human food and filth matter. Means ant जो होती है, ant, flies और cockroaches जो हैं वो हमारा food spoil करते हैं. और flies और cockroach तो कुछ डिजीज़ भी स्प्रेड करते हैं क्योंकि वो हमारे आसपास बहुत ही फ्रीली रहते हैं. टर्मिट्स एंड आर इंसेक्ट दैट ईट वुड. दे कैन डिस्ट्रॉय वुडन फर्नीचर्स एंड बुक्स. टर्मिट्स जो होते हैं मींस ये जो हैं वुड को डिस्ट्रॉय करते हैं और ये वुड खाते हैं. नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट्स सच एज क्लोथ मॉथ्स, कारपेट बीट्स एंड सिल्वर फिशेस कैन डिस्ट्रॉय आवर क्लोथ्स. ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जो क्लोथ्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जैसे क्लोथ मॉथ्स, कारपेट बीटल्स एंड सिल्वर फिशेस. आपने देखा होगा आपके क्लोथ्स पे कभी कभी ये सारे इंसेक्ट्स दिखते हैं. नेक्स्ट है आपका बेडबग. बेडबग फीड ऑन ह्यूमन ब्लड. बेडबग जो होता है वो ह्यूमन ब्लड फीड करता है और साथ ही साथ में क्या करते हैं ये हमारे ओवरनाइट में हमें बहुत ही ज़्यादा बाइट करते हैं और ये जो हैं मैट्रेसेस और उनके बेड्स के बीच में फ्रेम्स के बीच में होते हैं. मॉस्किटोज़. मॉस्किटोज़ तो हर किसी ने देखे होंगे और सभी को पता है ये हमारा ब्लड सक करते हैं और हमें इनके इनके बाइट से इरिटेशंस और स्वेलिंग्स भी हो जाती हैं. नेक्स्ट है हमारा हेडलिच. हेडलिच जो हैं वो भी हेयर्स में होती हैं, हेड में होती हैं और ब्लड को ये भी स्कैल्प से पीने की कोशिश करती हैं, मींस फीड करती हैं, ये ब्लड फीड करती हैं. नेक्स्ट इंसेक्ट है हमारा बीज एंड वेब्स. ये जो हैं वो हमें डिस्टर्ब करने का वर्क करते हैं. तो ये तो थे हमारे कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स. आइए देखते हैं कि रेमेडीज ऑफ इंसेक्ट बाइट. इंसेक्ट ने अगर बाइट किया हुआ है तो कौन कौन सी रेमेडी यूज़ करके हम इंसेक्ट बाइट्स को ईचिंग या इरिटेशंस को फिनिश कर सकते हैं. फर्स्ट है हमारा इफ़ आ स्टिंग इज फिक्स्ड इन योर स्किन रिमूव इट बाई पुलिंग ब्रश और स्क्रैपिंग इट आउट फ्रॉम स्किन. अगर आपकी बॉडी में उनका स्ट्रेप रह गया है, स्ट्रेन रह गई है तो आप उसको किसी ब्रश से या स्क्रैपिंग से अपनी स्किन से निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है आपका यू शैल वॉश योर स्ट्रिंग्स एंड बाइट्स एरिया फ्रॉम माइल्ड सोप एंड वाटर. माइल्ड सोप या वाटर से आप उसको वॉश भी कर सकते हैं. नेक्स्ट यू कैन यूज़ अप्लाई आइस ऑन दैट एरिया. मिक्स्ड बेकिंग सोडा पेस्ट, वाटर और मिक्स्ड बेकिंग सोडा पेस्ट को भी आप लगा सकते हैं. ओके, कैलामाइन लोशन भी जो है इस पर आप यूज़ कर सकते हैं. प्रिवेंशंस क्या हैं?
प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं यूज इंसेक्ट रिपेल ऑन स्किन. इंसेक्ट रिपेल्स बहुत सारे आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं. वियर शूज़ व्हेन यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो फुल क्लोथ्स या फुल शूज़ वगैरह पहन के निकलिए. अवॉइड करिए परफ्यूम्स यूज़ करना, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ करना, शैम्पू सोप ये सब अवॉइड करिए, तभी आप इंसेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, आपके पास में और भी बहुत से तरीके हैं. एज यू कैन सी इट हेयर दैट मॉस्किटो है, अगर तो आप उसको पॉट्स के पास में, ट्रीज़ के पास में, ऐसी जगह कूलर्स के पास में, ऐसी जगहों पर कम जाइए. और अगर जा रहे हैं तो आप बहुत ही केयरफुल रहिए. और नेक्स्ट, अगर मॉस्किटोज़ जो हमारे होते हैं वो एक जगह स्थिर पानी में, मीन्स कह सकते हैं स्टेबल वाटर में होते हैं, तो कोशिश करिए कि वाटर स्टेबल ना होने दें. ठीक है, और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन आपके लिए बस इतने ही, आपके चैप्टर में बस इतने ही हैं. तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है. आइए अब हम बात करते हैं बुक वर्क की. तो पहला बुक वर्क है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो हियर इज़ योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर यू. यू हैव टू डू इट इन योर बुक, बुक में करना है सभी बच्चों को. ओके, जिन बच्चों के पास बुक ना हो वो कॉपी में भी कर सकते हैं. आइए देखते हैं कि क्या है. पहला, द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट is divided into three parts. The parts below an insect throat is called abdomen. Which of the following is not an insect? So that is a spider. Which of the following type of an ant lies a queen ant? Okay. Next hai aapka, which of the following is a कलरफुल एंड ब्यूटिफुल इंसेक्ट? बटरफ्लाइज. नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स. आइए देखते हैं इसको क्या, इसमें आपको फिल करना है. ये आपके पास में हेल्प बॉक्स भी गिवन है. फर्स्ट है आपका, अ इंसेक्ट हैज़ थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स दैट कम्स आउट फ्रॉम थ्रॉट्स. ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट. सेकेंड है आपका, अ कैटरपिलर shades its skin 4 or 5 times to grow new skin. Okay. Next, human beings obtained honey and wax from bees. Calamine is an itching, good itching reliever. Yellow fever and chikungunya is a disease which spreads from mosquito bites. So this is your fill in the blanks and tick the correct options. You have to do it in your book. Next exercise है आपकी पेज नंबर 59 पे, ट्रू फॉल्स. सो हेयर आर सम ट्रू फॉल्स फॉर यू. इंसेक्ट्स यूज देयर एंटीना टू स्मेल एंड फीड, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट है आपका, एंट्स फ्लाइज एंड कॉकरोचेस कैन नॉट स्पॉयल योर फूड, दिस इज फॉल्स, वो स्पॉयल करते हैं. मेल मॉस्किटो बाइट्स टू कंज्यूम ह्यूमन ब्लड, ट्रू. नेक्स्ट है आपका, bees are specially reared in farms for honey and wax, yes this is true. Next hai, mosquito breeds in standing water, yes this is also truth. Next, iske baad mein exercise d hai aapki matching. So head leech kya karte hain, head leech aapko फीड करते हैं, फीड ऑफ ब्लड एंड स्किन, ब्लड फ्रॉम योर स्कैल्प्स. टर्माइंस आर डिस्ट्रॉय द वुडन फर्नीचर्स, क्योंकि वो वुड खाते हैं. फाइल्स एंड कॉकरोचेस स्पॉइल योर फूड. नेक्स्ट है, सिल्वर फिशेस डिस्ट्रॉय योर क्लोथ्स एंड मॉस्किटोज गिव्स येलो फीवर टू अस. इसके बाद में आपको नेक्स्ट है आपका, सर्कल द ऑड वन. सर्कल करना है, इसमें आपको रीज़न नहीं देना है, कोई भी रीज़न नहीं देना है, सिर्फ आपको सर्कल करना है. तो सर्कल करने के लिए एंट, लेजर्ड, बीज एंड बिटल्स है, तो उसमें आपको लेजर्ड करनी है, क्योंकि ये सारे इंसेक्ट्स हैं और लेजर्ड इज़ एन रेप्टाइल. एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड लार्वा. एग, कैटरपिलर और प्यूपा जो है ये
बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है और लावा जो होता है ये आपके मॉस्किटो की लाइफ साइकिल होती है। नेक्स्ट है इसके बाद हेड एंटीना थ्रॉट्स एब्डोमेन। तो इसमें हेड एंटीना जो है वो आपका ऑड है, इसलिए क्योंकि हेड थ्रॉट्स और एब्डोमेन जो है ये इंसेक्ट पार्ट है, एंटीना हेड का एक पार्ट होता है, एंटीना इंसेक्ट्स में हेड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद आपका एंट टर्माइन कॉकरोच एंड व्रैप्स। तो एंट टर्मिट और कॉकरोच जो हैं ये आपके डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट्स हैं, तो वैस्प इज आउट वन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अपना बुक वर्क आप फिल करके मुझे शो करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।